हेलो दोस्तों, योर टेक्निकल फ्रेंड में आपका स्वागत है। यह कंप्लीट वीडियो सीरीज है, इसमें मैं आपको अपना कंप्यूटर सेटअप करना सिखाऊंगा। इसके लिए मैं आपको विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, विंडोज इंस्टॉल कैसे करते हैं, साथ ही विंडोज की आवश्यक सेटिंग्स एंड सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी सिखाऊंगा। चलिए इस सीरीज के पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं और विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखते हैं। विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास तीन चीजें होना आवश्यक है। पहली है विंडोज की इमेज फाइल। यहाँ पर मैं विंडोज 8 की इमेज फाइल काम में लूंगा। आप जिसकी भी बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं उसकी इमेज फाइल काम में ले सकते हैं, या फिर आपके पास उसकी सीडी होना जरूरी है। दूसरी चीज है 8GB की पेन ड्राइव। विंडोज 8 या विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास कम से कम 8GB की पेन ड्राइव होना जरूरी है, क्योंकि इनकी इमेज फाइल 4GB से बड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो विंडोज 8 की इमेज फाइल है उसकी साइज 4.1GB है, यानी कि ये 4GB की पेन ड्राइव में नहीं आ सकती है, इसलिए मुझे कम से कम 8GB की पेन ड्राइव काम में लेनी पड़ेगी। विंडोज 7 की इमेज कई बार 4GB से कम की होती है, उस कंडीशन में आप 4GB की पेन ड्राइव भी काम में ले सकते हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप 8GB की पेन ड्राइव काम में लें, जिससे कि आपको बीच में कोई इशू ना आए। तीसरी चीज है बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से हम इमेज फाइल के डेटा को पेन ड्राइव में लोड कर सकें और उसका बूट फ्लैग ऑन कर सकें, जिससे वो एक बूटेबल पेन ड्राइव बन जाए। विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर से आप विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो ज्यादा काम में लिए जाते हैं। आप इनकी मदद से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। किसी की स्पीड ज्यादा तेज है तो वो आपको स्पेशल सेटिंग्स के साथ में विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का ऑप्शन देता है। कोई ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो कोई कम ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इस वीडियो में आपको 4 सॉफ्टवेयर से विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके लिए एक सॉफ्टवेयर काम ना करे तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद ले सकें, साथ ही आप ये देख सकें कि इनमें क्या क्या फीचर्स अलग हैं और आपके लिए कौन सा आसान रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं रूफस सॉफ्टवेयर से आप विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में रूफस टाइप करके सर्च मारिए। इसके बाद इस लिंक पे जाइए और या नीचे आप यहाँ से रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है वहाँ जाकर उसको स्टार्ट कीजिए। मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाले फोल्डर में पड़ा है, तो इस पर आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कीजिए। यह सॉफ्टवेयर बिना इंस्टॉल हुए सीधे ही काम करता है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप डिवाइस में देखिए कि आपकी पेन ड्राइव शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर डिवाइस में आपकी पेन ड्राइव नहीं आ रही है तो आप अपनी पेन ड्राइव को रीइंसर्ट कीजिए और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को चलाइए। यहाँ पर आप जो पहला ऑप्शन है उसी को रहने दीजिए, जो बाय डिफॉल्ट है MBR पार्टीशन स्कीम फॉर BIOS। अगर आप UEFI मोड में अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं तो आप नीचे वाले दोनों में से कोई सा एक मोड ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें MBR और GPT दोनों दे रखे हैं। बाकी सेटिंग्स को आप ऐसे रहने दीजिए और इस आइकन पर क्लिक कीजिए और अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए जो इमेज फाइल आप काम में ले रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इसके लिए सीडी काम में ले रहे हैं तो आप सीडी वाली जो ड्राइव है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओपन पर क्लिक कीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए रेडी है, आप सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वार्निंग शो हो रही है कि इससे आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसको पहले ही किसी लोकेशन पर कॉपी कर लें। ओके पर क्लिक कीजिए। इसके साथ ही आपकी विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बनाना स्टार्ट हो गई। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है, एक तो आप इससे UEFI मोड के अंदर भी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं GPT और MBR पार्टीशन में, और इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज है। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई और मेरे बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। इसके बाद आप क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। तो ये था आप रूफस सॉफ्टवेयर की मदद से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड, जो है UltraISO। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप विंडोज 7 या 8 की जो CD या DVD है उसकी इमेज फाइल भी बना सकते हैं और उस इमेज फाइल से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। UltraISO सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में UltraISO ऑफिशियल साइट टाइप करके सर्च मारिए। इसके बाद आप EZB सिस्टम की साइट पर क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे इसका फ्री ट्रायल काम में लेंगे, इसके लिए आप फ्री ट्रायल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड कर रखा है इसलिए इसको मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। अब जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है वहाँ पर जाकर उस पर डबल क्लिक करके उसको स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अग्रीमेंट सेलेक्ट कीजिए और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लॉन्च UltraISO इसको अनचेक कर दीजिए और फिनिश पे क्लिक कीजिए। अब देखेंगे आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन चुका है। अगर आपके डेस्कटॉप पे आइकन नहीं है तो आप इसको आपके स्टार्ट मेन्यू में भी देख सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो हो सकता है बीच में एक एरर आ जाए। ये एक UltraISO का ट्रायल वर्जन है, बट आप इसका लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कंटिन्यू टू ट्राई पे क्लिक कीजिए। ये UltraISO की मेन विंडो है। जैसा कि मैंने आपको बताया, UltraISO की मदद से आप आपकी विंडोज की इमेज फाइल बना सकते हैं या फिर इमेज को बर्न करके CD या DVD बना सकते हैं।
इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं उसकी इमेज फाइल को लोड करना होगा। इसके लिए आप फाइल मेन्यू पे जाइए और ओपन पे क्लिक कीजिए। अब आप जहाँ पर आपकी इमेज फाइल रखी हुई है वहाँ पर जाकर उसको ब्राउज कीजिए और उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ मेरी फाइल OS फोल्डर में रखी हुई है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज फाइल है वो लोड हो चुकी है, उसका कंटेंट आप यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट कीजिए और बूटेबल पे क्लिक कीजिए और राइट डिस्क इमेज सेलेक्ट कीजिए। ऐसा करने पे आपको एक नई विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको सबसे पहले ड्राइव सेलेक्ट करनी है। आप देख सकते हैं जो आपकी पेन ड्राइव आपने लगाई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप अपनी पेन ड्राइव दोबारा लगाइए और इस एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। आपको बाकी सारी सेटिंग ऐसे रखनी है। अगर आपकी पेन ड्राइव पहले से फॉर्मेट नहीं की हुई है तो आप इस पे क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हैं। इन सभी सेटिंग्स को ऐसे रहने दीजिए। फाइल सिस्टम 32 होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि क्विक फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और आपकी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। यहाँ ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है तो ओके पे क्लिक करके इसको बंद कर दीजिए और राइट पे क्लिक कीजिए। यस, ऐसा करने से आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने इमेज फाइल का डेटा कॉपी होते हुए देख सकते हैं। जब ये प्रोग्रेस 100% कंप्लीट हो जाए तब आपका ये क्लोज बटन एक्टिवेट हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करके इस डायलॉग को बंद कर दीजिए, जिसके बाद आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को अबॉर्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे और अभी अपने दो मेथड बाकी हैं। तो ये था आप अल्ट्रा ISO की मदद से अपनी बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल मेथड था और आप इससे जो आपके रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी और जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी बूटेबल पेन ड्राइव भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरे सॉफ्टवेयर से बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। थर्ड सॉफ्टवेयर है यूनेट बूटिन, जिसकी मदद से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। यूनेट बूटिन डाउनलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में यूनेट बूट एंड डाउनलोड टाइप करके सर्च मारिए। इसके बाद आपके पास जो लिंक आए यूनेट बूटिन होम पेज एंड डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यूनेट बूटिन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। अब जहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है वहाँ पर जाकर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए और यस सेलेक्ट कीजिए। इस सॉफ्टवेयर को आप बिना इंस्टॉल किए डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। अगर आपको लिनक्स से बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है तो आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हुए आसानी से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। हम यहाँ पर विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं। इसके लिए आप डिस्क इमेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ISO सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी है उसको ब्राउज कीजिए। यहाँ पर मेरी विंडोज़ 8 की इमेज फाइल OS फोल्डर में पड़ी है तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक करूँगा। इससे आपकी इमेज फाइल सेलेक्ट हो गई है। टाइप में आप देखिए USB ड्राइव सेलेक्ट हो और आपकी पेन ड्राइव लगी हुई हो। ड्राइव में आप जो आपकी पेन ड्राइव को लेटर असाइन हुआ है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव को H लेटर असाइन है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप माय कंप्यूटर में जाकर देख सकते हैं कि आपकी पेन ड्राइव को कौन सा लेटर असाइन हो रखा है। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए और आपकी विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और 100% पे पहुंच जाए तब आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो जाएगी और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको फोर्थ मेथड बताने जा रहा हूँ इसलिए मैं इसको बीच में बंद कर रहा हूँ। फोर्थ मेथड है विन टू फ्लैश, जिसकी मदद से भी आप आसानी से बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। जब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए तो आप वहाँ पर जाइए और इसके सेटअप पे डबल क्लिक कीजिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए इसको भी इंस्टॉल कर दीजिए। आप इसको डीसेलेक्ट कर लीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। आपका विन टू फ्लैश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर लीजिए। आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप फ्री लाइसेंस सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास CD से कॉपी किया हुआ डेटा है या फिर आपके पास एक इमेज फाइल है। अभी हम यहाँ पे इमेज फाइल काम में ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इमेज फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप सेलेक्ट पे क्लिक करके आपकी इमेज फाइल जहाँ भी रखी हुई है उसको ब्राउज कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप USB ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी USB ड्राइव शो हो रही है। अगर आपकी USB ड्राइव यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप उसको रीइंसर्ट कीजिए और रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, फिर से लाइसेंस एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपकी विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो चुकी है। जब ये प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो जाएगी और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से डेटा कॉपी होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि चार मेथड से आप विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। इन सब में आप अल्ट्रा ISO और यूनिट बूटिन की मदद से आसानी से विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। अगर आपको UEFI मोड में विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है तो उसके लिए आप रूफस सॉफ्टवेयर भी काम में ले सकते हैं। फोर्थ मेथड काफ़ी लेंथी मेथड था जिसमें हमने विन टू फ्लैश की मदद से बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी। कुछ साल पहले ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिंपल हुआ करता था पर इसकी प्रोसेस अब काफ़ी लेंथी और कन्फ्यूजिंग है। अगर आप पहली बार विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूनिट बूटिन या अल्ट्रा ISO की मदद से विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं। इस वीडियो में मैंने आपको चार मेथड बताएं। पांचवा मेथड है जिसमें आप कमांड लाइन की मदद से विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, जिसके लिए आपको जल्द ही इस सीरीज में एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और उससे आपकी मदद हुई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।
और इसी प्रकार के और भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे इस चैनल में कोई भी नया वीडियो ऐड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इस विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।